आपका बच्चा है। अच्छा लड़ाई क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, तो स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो अभी हो चुकी हूँ मैं रेडी, आज है फाइनल शादी का डे, तो हमें जाना है हरियाणा। तो फटाफट अभी आ जाओ, अभी दिखा दो, ये देखो ये मेरे स्मार्ट से हस्बैंड और ये मेरी प्यारी सी वाइफ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं। ऑलवेज कूल। तो अभी फटाफट से लेट हो रहे हैं, निकलते हैं फटाफट। लंबी कैसे लगेगी? सारे बॉर्डर बंद है ना, तो एक ही रास्ता मिलेगा है ना। फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है ना इस वजह से। पर्स अच्छी लग रहा है तेरा? पर्स अच्छा लग रहा था। तो गाइस पहुंच चुके हैं घर पिच, अब देखते हैं सब क्या रेडी वेडी हुए नहीं हुए भाई। You won't eat? नहीं। अब पूरे दिन से गंदे खा रही है तू। खाया क्या है? परसों नरसों नरसों क्या खाया तूने? पूरे दिन बोल रहा। अच्छा पूरे दिन ही, कल से पूरे दिन बोल रहा हूँ मैं, आज का नहीं बोल रहा। तो हम लोग जो है पूरा यहाँ पे तैयार होके आ रखे हैं, टाइम से लेट है लेकिन अभी फिलहाल टेंशन की बात नहीं, क्योंकि गोलू दीदी और कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी, हम ही तैयार है बस, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम ठीक है, टाइम पे एक तरीके से है ना। टाइम पे आ गए, लेट नहीं हुए। और यहाँ पे सबने गीत शुरू कर दिए क्योंकि आज है फाइनल डे बारात का। पता क्या हो रहा है, तेल उतर रहे हैं, मेरा मणिया का नहीं उतर रहा था, मेरा भी तो था। हाँ भाई दही गाल लो और गीत चल रहा है यहाँ पे। और एक तो भी गा, मेरे को नहीं आता ऐसे। दही गालो भाई, दही गालो, औरत गाती है वो। आता आपको है तो आप गालो, क्या हो गया भाई गाले का? तो दही गालो भाई दही, अरे औरत गाते हैं मर्द नहीं गाते। नहीं आता। तो गाइस यहाँ पे अब खाना खाने की प्रक्रिया चल रही है। क्या कह रहा तू? स्मार्ट तो एक मंजीत, ठीक है चलो भाई। वो डाले सारे रायते वायते। नरेंद्र सिंह ये कौन है? मैं। अच्छा हम तो बढ़िया जानते हैं भाई। पर वो तो स्मार्ट नहीं है। दिखाओ पहले बुआ की फोटो, दिखाओ देख दिखा दियो। ये देखो बढ़िया डॉन लग रही है। मेरी भी तार तो मुझे डर हो गया ना। भुवन ब्लॉग में लेना जरूरी है, बुआ बैठी आ रही। हाय कर दो बुआ। हाय मुन्नी बुआ, तू भी बिल्कुल सीधी बैठ के हाय कर दे। है या है या या तो डलेगी। सारी आ गई, ताई भी आ गई। पापा और जतिन भी पहुंच चुके हैं सामान वामान लेके, क्योंकि इनको भाई सामान का कुछ लाना तो लिया है सामान। फिर आ जाओ, टाइम पे ही आए वैसे, हम जल्दी आ गए। तो अभी 2 बज रहे हैं और अभी हो रहा है आरता। आरता क्या होता है? आरता बहन नहीं करती है, पता नहीं मुझे, वैसे तो मेरी बुआ से पूछ लिया। बुआ बुआ आरता क्या होता है? अच्छा ये तो पता है, शादी में होता है। घोड़ी पे बैठने से पहले आरता होता है, एक बार लड़के लड़की का भी दोनों का होता है। तो भाई दूल्हे राजा हो गए हैं, प्यार बहुत प्यार लग रहा हमारा भाई। देखो मम्मी ने काजल लगाया और देखो गाल पे भी लगा दिया था। क्या हो गई कर रहे हैं साहब? अभी हो रही है घुड़चढ़ी और अभी सबसे पहले हम जाएंगे मंदिर, मंदिर में दर्शन करके और छोटी मोटी वहाँ पे रस्में होती हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे सीधा बारात के लिए। तो बहुत देर बाद नाचने गाने के बाद हमारा मंदिर भी आ गया है। अभी यहाँ से जो भी मैंने आपको बताया था रस्में होंगी वो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद सीधा निकलेंगे हम क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। जा रहे हैं लोग भगवान के एक बार आशीर्वाद लेने माथा टेक के। फिर यहाँ पे कार्स तो आ गई हैं सारी, एक कार वो खड़ी, एक कार वो खड़ी, एक कार वो लेके आ रहे हैं। हाँ कान खजूरा था नहीं, नहीं। सांप का बच्चा है। अच्छा पता नहीं कहीं निकल गया होगा।
जंगल पड़ा था। हाँ यहाँ पेड़ वेड़ है ना बहुत। चूहे के पास चले गए थे। हमारा गर्दी कर रहे पहले भगवान का वो ले लो आशीर्वाद दर्शन कर लो पहले। कहाँ थे सबसे? हम ना आदरे से गाड़ी लेने गए थे तो इतनी देर तो नहीं लगी उसकी वजह से नहीं तेरे लिए रेड बुल ढूंढ के लाया पता कितनी 50 दुकानों पे नहीं मिली फिर जाके ले गए तेरे लिए। अब रास्ते से ले लेते ब्लॉग शूट करा नहीं तो फिर मैं कैसे मानू ब्लॉग क्या शूट करो तू कर रही है ना मांग के पहना हो किसी का एमसी स्टेन से मांग के लाया अरे वो तो ठीक है बोला रेडी भाई अब निकलने की बारी आ गई ये गाड़ी है हमारी गाड़ी उधर खड़ी है कल्पना तू ड्राइव कर रही है ना जाम में तू रेड बुल रेड बुल तेरे लिए आया भाई सही है ना फ्री में ड्राइवर मिली हुई है मीटर कह दियो आज लेकिन क्या कहते हैं पेट्रोल की जगह उससे चलती है क्या कहते हैं रेड बुल से हां रेड बुल चाहिए बस उसको चलो भाई फटाफट सही है मेरा पेट्रोल इसका पेट्रोल मिल गया पी ले अब चलो भाई चलो तो गाइस यहां पे रुके हैं अब क्योंकि भाई इन लोगों को लग गई है भूख ये खा रहे हैं चिप्स कुरकुरे सिर्फ तो जतिन गया लेने तो जल्दी से लेके आ जाएगा आप बढ़िया की भूख है सबसे ज्यादा बस मेरी बहुत खाती नहीं है इसमें ना पिछली बार वाली नजाकत और महकियत नहीं आ पा रही है भाई सभी पेट भर मैंने पेट भर खा दिया यार 3 घंटे हो 2 घंटे थोड़ी करा मैं अभी शिवानी को कहा कि क्या कहते हैं कि खाना नहीं खाया क्या नहीं खाया था मैं अगर रोटी खा ली चावल के बाद तो मेरा पेट भर जाता हां नहीं ये तो है पर उससे क्या होता है कि चावल होते हैं जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं तभी तो भूख लगी तो रोटी मैंने तो कम से कम 7-8 रोटी खाई थी और कुछ ना खाई बनने तो छोले और रोटी मजा आ गया तो स्वाद बैठ गए थे बोल कुछ बबली बुआ को छोड़ने आए थे कि बबली बुआ का घर जो है रास्ते में ही पड़ता है तो बबली बुआ को छोड़ के थोड़ी देर वहाँ बैठ के फिर निकलेंगे लड़के झूला भी हमसे पीछे ही है हम सबसे आगे आ गए हाँ सबसे आगे निकल गए पापा हमें डांट रहे थे कि हम जो है गलत रास्ते से निकल गए लेकिन सबसे आगे हम ही है अभी तब हम एक आराम से रेस्ट लेके अब निकलेंगे हाँ अभी झज्जर पहुँचने में और हमें यहीं से लोकेशन पर पहुँचने में 8 घंटे लगेगा अरे बहुत अच्छी है भुआ ने बनाई है यार कभी ट्राई तो कर फिर आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो कहीं नहीं पी ना कितने ना भी होगा उनके कितन लगेगा एक बार भी ना पी इसने मैं इतना कॉफी बना बना के पिए सारी आए बुआ फिर मिलेंगे आए बैठा हम तो नहीं गाड़ी पे अगली बार बुआ मेरी रील बनवाएगी भैंस के साथ तो गाइस आ चुके हैं लोकेशन पे तो भाई बढ़िया करो किधर खेतों में पार्किंग हो जा रही है और सामने ही है अपना प्रोग्राम तो चलते हैं अंदर फिर यहाँ से ना रथ पे बैठेंगे फिर आगे जाएंगे नाचते हुए जाते नाच नाच फुल फुल बिल्कुल मजा आने वाला है आज तो कैसे नाचोगे मेरी तो आंखों में लग रही है कैसे नाचोगे नाचोगे अब नाच के दिखाओ एक बार सिखाओ नाच के दिखा आता हो तो कल्पना दिखाएगी नाच के दिखा कल्पना कैसे नाचेगी अहे ढोल जगीरों दा अरे बच्चो लड़ाई क्यों कर रहे हो क्या हो गया बता यार मणिया को कि कभी मणिया व्रत पे बैठा था हाँ। तो कह रही कि तुम तब खुश थे अब खुश हो मैं कहा तुम जब मैंने तुम अरे उससे पहले पूछ जितने आप शादी में खुश थे कि आज आप उतने खुश हो तो ये थोड़ा सा मणि और थोड़ा सा हाँ तो फिर मैंने बोला कि नहीं ये कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे पीछे जब तुम मायके जाती हो तब खुश रहता हूँ नहीं ये बोलता भाई ये तो हर लड़के का है ना होता है ना भाई हर लड़के का देखो आगे आप मुझे तो पता है वो चिढ़ती नहीं है बस को खुद ही बोलता हूँ इसी बात पे चलो अंदर जाके खाना खाते हैं गाइस यहाँ पे आते देखो इसकी टट्टी लगी खेतों में पता नहीं किसकी टट्टी लगा ला क्या मैं आपको 1000 रुपए दूंगा वो जंगल नहीं है और पहली बात वो खेत है वो 1000 रुपए किसके देगी यहाँ बेटा गाँव में ना ऐसी सरसों में घुस घुस के टट्टिया करी हाँ
तो गांव में पहले नहीं होते थे, क्या करते थे? ऐसे तो करते थे, ऐसे जाते थे सुबह सुबह। इसने कहीं कभी डोले पे कभी इसने एक भी पुली नहीं छोड़ी, जो पुली हो सब बर्बाद ही थे।